पश्चिम बंगाल में चुनावी साल आने से पहले ही राजनीतिक दलों में चुनावी जंग तेज हो गई है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर ममता सरकार पर आक्रामक अंदाज में हमला बोला है। दिलीप घोष बोले कि जय श्री राम बोलने से ममता दीदी को काफी दिक्कत होती है। दिलीप घोष ने कहा कि आखिर उनके खून में ऐसा क्या है कि वो जय श्री राम नहीं बोल सकती हैं? राम के देश में ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि बदला नहीं बदल दो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं की मौत का बदला लेंगे। दिलीप घोष ने बंगाल में एक जनसभा में ये बात कही। दिलीप घोष लगातार इस तरह के बयान देते आए हैं जिन पर विवाद होता रहा है। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि ममता राज में बंगाल में आतंकवादी ग्रुप एक्टिव हो गए हैं जो पश्चिम बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।